कोंच प्रखंड के उतने पंचायत के पूर्व मुखिया सह जनता दल के सदस्य अशोक प्रसाद जी हैं। आज इनसे हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह का विकास करने का काम किया और साथ साथ आज जिस तरह से पंचायत को विकास को लेकर के क्या ये काम कर रहे हैं और सरकार ने किया क्या है, और आने वाले 26 जनवरी और ये हमारे मकर संक्रांति और बसंत पंचमी क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हम मुखिया बनने के पहले समाज सेवा में लगे। विद्यालय में शिक्षा समिति का गठन हुआ, विद्यालय के शिक्षा समिति में अध्यक्ष गांव के द्वारा बनाए गए। हम लोग सदैव चाहते हैं, मानव सामाजिक प्राणी, समाज का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और हम इसी बात को लेकर के चले। तो लोगों ने मुझे 2001 में मुखिया बनाया। मुखिया बनने के बाद हमने पंचायत के विकास के लिए, उसमें राशि कम था लेकिन हर वार्ड के सदस्यों को प्रतिमाह बुला करके बैठक करते थे और समान भागीदारी में सबों को राशि दे करके काम करवाते थे। मेरा ये सोच था कि विकास केवल अकेले नहीं होता है, सारे लोगों को लगने से होता है। तो हमारे सारे सदस्य भी सक्रिय रहे और जो राशि था उसके अनुसार काम करवाते रहे। सर, अभी जो है तुम्हारे समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, इस समाधान यात्रा से क्या उनको प्राप्त होगा? कहीं ये वोट बैंक का जरिया तो नहीं, और वोट बैंक के साथ साथ जाति जमीन बैंक का जरूरी है? नीतीश कुमार जी एक ऐसे ईमानदार नेता हैं जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। जब से इन्होंने आया, बीमारू बिहार को सदैव आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने सोच समझ करके सारे कार्यक्रम को धरातल पर लाने का काम किया, और जो आज लोगों को देखने में मिल रहा है कहने की बात नहीं है। भले ही लोग अपने स्वार्थ में इन्हें जो भी कुछ कह दे, ये समाजवादी नेता हैं और सामाजिक सोच और चिंतन नीतीश जी का है। सर, कहीं ना कहीं सर आज एनडीए से गठबंधन तोड़ कर होने की संभावना है क्या? देखिए, ऐसे तो नीतीश जी का उस तरह की मंशा नहीं है, लेकिन ये समाजवादी हैं। सामाजिक चिंतन हर समय रहता है। जैसे कि इन्होंने जो भी आज तक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, महिलाओं का आरक्षण, इसके बाद आ जाइए बिजली एकदम बिहार में समाप्त था। हम लोग गांव में अनुभव नहीं करते थे कि बिजली भी आ जाएगा। सड़क, घर घर नल, घर घर नल जल की व्यवस्था, गली गली की सुदृढ़ व्यवस्था, पक्कीकरण इनका सोच है। इसके साथ साथ इन्होंने हरियाली कार्यक्रम को लाया कि जो हमारा जल स्तर बहुत नीचे चला जा रहा है उसके ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला, चिंतन किया और उसके तहत इन्होंने कार्यक्रम कराया। महिलाओं के कहने पर शराबबंदी अभियान को इन्होंने लागू किया जो आज बेहतर कारगर है। ऐसे लोग कहते हैं, जो पीते हैं वे इनकी शिकायत करते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। तो हम जो पीते हैं उनसे पूछते हैं कि अच्छी चीज शराब है तो अपने बच्चों को घर में लाकर पिलाएं, अगर अच्छी चीज है तो। लेकिन इस पर वे नकारते हैं, केवल अपने पीते हैं। तो इसका परिणाम आगे आने वाला पीढ़ी को मिलेगा। नीतीश जी का इस तरह का सोच है, ऐतिहासिक सोच है, और इनका सोच है कि हम समाजवादी हैं, समाज के लिए हर तरह का कार्यक्रम करेंगे और आगे लेकर के चलेंगे। सर, अभी जो जिस तरह से पार्टी में सर तुतुम में चल रहा है, आरजेडी के कुछ विधायक नीतीश जी को गाली दे रहे हैं, कुछ विधायक जो है नीतीश जी के विधायक नीतीश जी को कोसने में लगे हुए हैं, फिर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पार्टी एक घर परिवार की तरह होता है। परिवार में 5 सदस्य रहते हैं तो किन्हीं का, सारे लोग का सोच एक तरह का नहीं होता, लेकिन जो घर के मालिक होते हैं उनका सोच सदैव घर के विकास की ओर रहता है। क्या नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बनाना सही या गलत?
यहाँ पर तो थोड़ा उनका जो सोच है ये गलत है, लेकिन इस उद्देश्य से शायद सोचे होंगे कि जब हम अकेले रहेंगे तो हम कमजोर पड़ेंगे। आगे आने के लिए इन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सर जदयू में तो और भी वरिष्ठ नेता थे, और भी कई दिग्गज नेता थे जिनको आप उत्तराधिकारी बना सकते थे। केवल अकेले कई एक बार चुनाव लड़ते देखे, चुनाव में इनको बहुत बड़ी भारी क्षति हुआ, लोकसभा का चुनाव में दो सीट पर ही इनको रुकना पड़ा था। कोई सब सोच समझ के इन्होंने सोचा कि हम अपने सहयोग दल को आगे रख करके उन्हीं के कंधे पर हाथ रख करके हम आगे बढ़ेंगे, आगे का राजनीति हमारा। सर NDA के साथ गठबंधन तो इनका जायज या ना जायज, समय के अनुसार इनका गठबंधन जो है वो जायज, ये किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते। नीतीश जी इस तरह के सोच के आदमी हैं, ये किसी के बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। खुद जो विवेक है इनमें, सोचने समझने का जरूरत के अनुसार इन्होंने अपना अति रखते हैं जज्बा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सर महागठबंधन में आते ही सर ये जो है जंगल राज प्रारंभ हो गया, दिन प्रतिदिन हत्याएं, लूट, मार, अन्य घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही है, लेकिन सर नीतीश जी ने खुद बोला था मरते दम तक मर जाएंगे लेकिन महागठबंधन के साथ कभी नहीं जाएंगे, सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए राजनीति में कुछ बातें ऐसी होती है कि जो लोग कह देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं और पुनः राजपाट के लिए कदम उठाते हैं, उसी की कड़ी में हमारे चल रहे हैं। सर मेरा नाम अशोक कुमार, ग्राम पाली, पोस्ट उत्तरायण, पंचायत उत्तरायण, प्रखंड कोंच, जिला गया का निवासी हूं और नीतीश जी के पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूं। मकर संक्रांति 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पर आप क्या अपने प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? मकर संक्रांति और 26 जनवरी और बसंत पंचमी पर्व जो हमारे हैं आपस में मिलना जुलना सिखाता है और सद्भावना भाईचारा का संबंध बना के रखना, यही मेरा उद्देश्य है। और 26 जनवरी तो खास करके हम भारतीयों के लिए एक गर्व और शान का पर्व के रूप में हम मनाते हैं। उसी दिन से हमारा गणतंत्र संविधान, भारतीय संविधान लागू किया गया है 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा संविधान जो बना है वो अटल रहे और इस संविधान को गैर देश के वासी भी चाहते हैं कि भारत का संविधान बहुत सर्वोच्च अच्छा है, इसका देखा देखी दूसरे जगह देशों के लोग शुभकामना है। तो इसी के साथ मैं पूरे जिला वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि नव वर्ष मंगलमय हो, सारे लोग आगे बढ़ें, प्रगति हो, बिहार का प्रगति हो, देश का प्रगति हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार।